But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. ओह यहाँ से पूरा नजारा दिखाता हूँ मैं, कैसा दिख रहा है यहाँ से, इधर सुनते हैं। बस ये 50 रुपए में, देखो ये 10 रुपए में मिल जाएगी भाई। वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत करता हूँ आज सभी का एक नए ब्लॉग में। तो भाई साहब ब्लॉग काफ़ी लेट हो गया, लगभग 1 वीक हो गया है ब्लॉग आने में, काफ़ी लेट हो गया। तो उसके लिए सबसे पहले सॉरी, क्योंकि इस टाइम जैसे कि आप लोगों को पता है, मेरे आप लोगों ने वेडिंग वाला ब्लॉग देखा होगा तो आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि शादी में मैं थोड़ा बिजी रहा। मेरी मौसी की शादी वगैरह बड़ी थी तो काफ़ी मैं बिजी चल रहा था उसके अंदर, दो उधर बिजी रहा। फिर आने के बाद मैं थोड़ी बहुत तबीयत वगैरह ख़राब हो गई थी, तो उसमें थोड़ा बहुत मेरा दिन निकल गया, इसकी वजह से ब्लॉग नहीं आ पाए। तो बट कोई नहीं, एंड जब काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग करते हैं तो यार कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो जाता है, तो इसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था कि कॉन्फिडेंस भी मेरा थोड़ा लो हो गया था। बट कोई नहीं, तुम्हारा भाई फिर से आ चुका है एक नए ब्लॉग के साथ, एंड बहुत सारा मज़ा आएगा इस बार, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है इस टाइम लगा है डोंबिवली में मेला अग्नि महोत्सव का, जो काफ़ी फेमस मेला है, जो आपका डोंबिवली में भी बड़ा मेला लगा है इस टाइम। तो चल के वहाँ देखेंगे कि किस किस टाइप के वहाँ पे झूले लगे हैं और कौन से प्रकार के वहाँ पे सामान वगैरह मिल रहे हैं, एंड क्या क्या वहाँ पे पूरा फंक्शन किया गया है और कौन कौन से डिशेज है। चलिए आज का वहाँ का ब्लॉग बनाएंगे। बट इसके लिए सबसे पहले मैं एक चीज़ के लिए एक बार और सॉरी बोलना चाहूँगा कि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लेट हो गया। अब जो मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा पूरा 1 वीक हो गया, 1 वीक पूरा, मतलब पूरा मैंने एक हफ्ता भाई ऐसे निकाल दिया, पता नहीं चला। मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि मैंने एक हफ्ते तक चैनल को इतना गैप दे दिया, बट ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे को। पर कोई नहीं, अभी से कंटिन्यू ब्लॉग आने चालू होंगे। तो भाई साहब अभी टाइम हो रहा है 1:45 बज चुके हैं, एंड हम लोग निकलेंगे लगभग 6 बजे के आसपास या 5:30 बजे आसपास निकलेंगे, क्योंकि मेले का जो मज़ा रहता है वो नाइट में ही देखने में मज़ा आता है, क्योंकि जो झूले वगैरह रहते हैं वो नाइट में काफ़ी अच्छे लगते हैं। जब लाइटें वगैरह जलती हैं तो काफ़ी ज़्यादा उस टाइम क्राउड रहता है, लोग फ्री होते हैं, तो उस टाइम हम लोग जाएंगे। तो मिलते हैं आपको डायरेक्ट शाम को। तो भाई साहब अभी फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ कल्याण स्टेशन में, और यहाँ से मैंने ट्रेन पकड़ ली है, स्लो ट्रेन, आई मीन मुझे जाना है डोंबिवली, उसके बाद वहाँ से ऑटो वगैरह पकड़ेंगे, फिर वहाँ पे जाएंगे मेले में सीधा मजा भाई जा। तो अभी फ़िलहाल वहाँ से ऑटो वगैरह पकड़ेंगे, फिर उसके बाद निकलेंगे। यार एक्चुअली बहुत ज़्यादा मैं लेट हो गया, इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि भाई लोगों का मेरे को जिम का वीडियो वगैरह शूट करना था, तो उसके लिए थोड़ा काफ़ी लेट हो गया। बट कोई नहीं, चलते हैं फटाफट। वैसे भी मेले का मज़ा जो रहता है वो रात को देखने में काफ़ी मज़ा आता है, बट अभी ट्रेन निकलने वाली है, उसके से 2-3 मिनट लगे और मिलते हैं फिर आपसे वहीं पे, सीधे बात करते हैं। और कुछ ऐसा है यहाँ पे प्लेटफॉर्म देख सकते हैं। तो फाइनली मैं अभी डोंबिवली से बाहर निकल रहा हूँ, और यहाँ से अभी फ़िलहाल मैं ऑटो पकड़ूँगा, जाऊँगा गार्डन सर्कल। तो चलिए देखते हैं भाई साहब। तो फिलहाल इस टाइम मैं जा रहा हूँ भाई साहब ऑटो पकड़ने के लिए, और शेयरिंग ऑटो चाहिए, क्योंकि वैसे जो सिंगल के लिए डायरेक्ट जाने वाले वो बोल रहे हैं 40 रुपये लगे। भाई मैं सिंगल से क्यों जाऊँ भाई, मुझे जब कम में जब मेरा हो रहा है काम तो मैं फिर क्यों जाऊँ, मतलब वैसे में तो मैं शेयरिंग में जाऊँगा ना, शेयरिंग में मुझे 10 या 15 रुपये लेगा, इससे ज़्यादा और क्या लेगा। तो चलिए पहले मैं शेयरिंग ऑटो पकड़ता हूँ, यहाँ से निकलता हूँ। भाई साहब अभी फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं इस टाइम गाड़ा सर्कल पे, और यहां पे स्टेडियम है, उस स्टेडियम में ही लगा है मतलब मेला वगैरह जो लगा है। तो चलिए फटाफट देखते हैं अंदर जाके भाई क्या क्या चीज़ें लगे हैं, कौन कौन से झूले लगे हैं अंदर। तो फाइनली फ़िलहाल मैं पहुंच चुका हूं भाई साहब, और क्राउड काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आज सैटरडे है तो काफ़ी ज़्यादा क्राउड है इसके लिए, क्योंकि लोगों की छुट्टी वगैरह रहती है। तो यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा कितना ज़्यादा यहाँ से पूरा क्राउड है, देख सकते हैं सामने बड़े बड़े झूले लगे हैं। तो चलिए अंदर जाके देखते हैं भाई। वैसे मेरे को एंट्री फ़ीस पता नहीं है कि नहीं है, बट बोल रहा था दोस्त की 30 रुपये एंट्री फ़ीस भी है इसकी। तो यहाँ से देख सकते हैं कितने बड़े बड़े वगैरह झूले लगे हैं यहाँ से। अलग अलग प्रकार की यहाँ पे मूर्तियाँ वगैरह लगाई गई हैं, और इधर देखिए
कैमरा दिखाता हूँ मैं कैसा दिख रहा है यहाँ से। इधर सुनते हैं मतलब ये लाइन देखो उधर से अंदर से होके आ रही है, वहाँ से पूरा घूम रही है। उसके बाद यहाँ जाएंगे सीधा, आगे फंक्शन वगैरह हो रहा है उधर, डांस वगैरह। भाई साहब यहाँ पे लड़कियों देखो यहाँ पे लगे हैं, गले के हार वगैरह लगे हैं। देख सकते भाई आईफोन लकी ड्रॉ चल रहा है यहाँ पे। तो फाइनली फिलहाल मैं आ चुका हूँ ग्राउंड के अंदर और यहाँ से देखते हैं पूरे लोग यहाँ पे खड़े हैं एंड सामने हो रहा है यहाँ पे अभी डांस वगैरह शो हो रहा था, बट यहाँ पे अभी फिलहाल बड़े बड़े लोग आए हैं भाई, वो लोग बातचीत कर रहे हैं। तो भाई साहब यहाँ पे देखो सूखी मच्छी मिल रही है यहाँ पे काफ़ी सारी। देखो भाई साहब यहाँ पे सेल वगैरह लगी है लड़कियों की, देखो इधर पूरा लड़कियों का पूरा सेल है। क्या जीते भाई? 50 रुपए लिए ना, 50 रुपए में टोकरी जीते हैं भाई। भाई ये सब चूतिया बनाने वाले गेम रहते हैं और कुछ नहीं रहता है, खाली बस ये 50 रुपए में देखो ये 10 रुपए में मिल जाएगी भाई। भाई साहब अगर जो 5 गिलास गिरा देगा उसको मिलेगा इनाम। अब देखते हैं भाई साहब गिरा रहे हैं। Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too, sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight.